बचपन की एक सुनहरी याद ईद कार्ड देना और बेचना। ईद उल फितर को मनाने के लिए रमजान अल मुबारक के आगाज से ही वो तैयारियां शुरू हो जाती है। माजी में अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को, अजीज वकारब और दोस्त अहबाब को ईद कार्ड अरसाल करने की रिवायत भी इन्हीं तैयारियों का हिस्सा हुआ करती थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी की नज़र हो गई है। जिस तरह बचपन की और भी बहुत सी यादों की मिठास आज भी महसूस होती है, इस तरह ईद कार्ड बेचने की रिवायत भी दिल और दिमाग पर अनमेंट नकोस छोड़ गई है, जिसको जब भी याद करे तो मोहब्बत, खलूस और रिश्तों की सच्चाई का एक एहसास होता है, जो आज ढूंढने से भी नहीं मिलती। असाज़ा, दोस्तों, वर्कर या कज़न्स को बहुत सी एहतमाम के साथ हम ईद कार्ड भेजे जाते थे। ईद कार्ड के इंतहाब तकरीबन उतना ही वक्त सरफ किया जाता था जितना कपड़ों के इंतहाब में होता है। रमज़ान अल मुबारक की शुरू होते ही मार्केटों में ईद कार्ड के खसूसी स्टॉल और दुकानें सज जाती थी और बहुत ही मार्केटों में रश होता था। ईद कार्ड का बहुत से अफराद बाकायदा रिकॉर्ड भी रखते थे। नौजवान लड़कियां ईद कार्ड के साथ अपनी कज़न्स और सहेलियों को चूड़ियां, ब्रेसलेट, ज्वेलरी वगैरह भी तोहफे में देती थी। हर एक की यही ख्वाहिश होती थी कि वो सबसे मुनफरद कार्ड खरीदे, फिर उस पर खूबसूरत लिखाई में ईद के हवाले से अशार लेके जाते थे, जिनमें नौजवान ज़्यादातर मजाहिया अशार लिखते थे। ये शेर बरसों तक ईद कार्ड पर लेके जाते रहे। नौजवान दोस्तों, शायद आपको भी कुछ शेर याद हो या मैं आपको याद कराऊं। अच्छा जी, इनमें कुछ शेर जो मैं लिखती थी खुद। गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, दोस्त है मेरा लाखों में एक। इशाती इदारे सालिया साल ईद कार्ड्स की तैयारी और डिज़ाइनिंग पर काम करते थे। इशाती इदारों के दरमियान ईद कार्ड की फरोख्त के हवाले से एक मुकाबले का सा समा देखने को मिलता था। ईद कार्ड की बहतात के बाईस महकमा डाक इन ईद कार्ड की तरसील के लिए खसूसी इंतजाम किया करता था। रमज़ान आखिरी दिनों में डाकखानों का अमला बाकी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईद कार्ड बजरिए पार्सल, रजिस्टर्ड और आम डाक में बुक करने और रसीदें काटने में मसरूफ़ी अमल होता था। महकमा डाक का काम भी मामूल से बढ़ जाता था और उन्हीं अवामुन्नास के लिए बाकायदा हिदायतनामा जारी करना पड़ता था कि बर वक्त ईद कार्ड की तरसील के लिए फला तारीख तक ईद कार्ड सुपर्द डाक कर दी जाए। कई नौजवान ईद के दिनों में कार्ड के स्टॉल वगैरह भी लगा कर चंद पैसे कमा लेते थे, लेकिन इस रिवायत के दम तोड़ती ही उनका आर्जी जरिया माश भी ख़त्म हो गया है। अफसोस, ईद कार्ड की रिवायत का ख़त्म होना महंगाई के सबब नहीं, बल्कि अफराद में वो पहली जैसी मोहब्बत और रिवायात ही नहीं रही। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ईद कार्ड खरीदने मार्केट जाए और फिर उसे अपने अजीज़ों को पहुंचाए। अब ना वो ज़माना रहा, ना ईद कार्ड बेचने का रिवाज रहा, अब सिर्फ और सिर्फ दौर जदीद का ज़माना आ गया है। अब सिर्फ ये खूबसूरत यादें ही रह गई है। वो सिर्फ कार्ड्स नहीं थे जो हम अपने प्यारों को बेचते थे, बल्कि उसमें छुपा मोहब्बत, प्यार, खलूस, जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अब कहीं खो गया है, जो इन कार्ड्स के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करता था। दूसरी तरफ भी मुंतज़र प्यारे उसी प्यार से उन कार्ड्स के मिलने पर खुशी का इजहार करते थे और जवाब में वो भी जवाबी प्यार भरा ईद कार्ड बेचते थे। अब सूरत हाल बहुत बदल गई है, लेकिन अब ईद कार्ड की जगह SMS जदीद मोबाइल एप्लीकेशन ने ले ली है। शायद इसलिए अब त्योहारों पर वो जोश खरोश नज़र नहीं आता जो पहले होता था। आवाम में अब ईद कार्ड बेचने के बजाय SMS, ख़त, ईमेल, पैगाम के जरिए ईद की मुबारकबाद देने का रिवाज कायम हो गया। सॉरी, ख़त नहीं बेचते, मतलब ईमेल बेचते हैं। दौर हाजिर मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए अब वो रिवाज ख़त्म हो गया है। शुक्रिया।